हेलो हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर व्लॉग। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली कहीं जाना नहीं हो रहा था इस टाइम पीरियड के बीच में, मतलब थोड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल चल रहा था, बट येस अब आई एम गोइंग टू माय फेवरेट प्लेस, दैट इज़ जयपुर। तो जयपुर में मुझे कुछ काम है, सो दैट्स वाई गोइंग टू जयपुर एंड कैरिंग दिस माय फेवरेट बैग जो कि मैंने मेघालय से लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू आवर व्लॉग। तो एक घंटे जाम में फंसने के बाद वी आर फाइनली एट द स्टेशन एंड इन ट्रेन। सो इट्स माय सेकंड टाइम कि मैं डबल डेकर में हूँ एंड प्लीज़ इग्नोर दिस, ये गंदा सा हुआ है मिरर, प्लीज़ इग्नोर दिस। इट्स माय सेकंड टाइम कि मैं डबल डेकर में हूँ और ये बहुत सुंदर सी दिखती है। लेट मी गिव यू अ लुक ऑफ दिस ट्रेन। खुल जा भाई। तो ऐसे ये स्टेयर्स जारी होती हैं, ऊपर भी सीट्स होती हैं और ऐसे नीचे भी सीट्स होती हैं, बट ये मतलब काफ़ी अच्छी लगती है मुझे तो। हेलो, से हाय। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड यस, पिछली बार जब मैं गई थी डबल डेकर में, मैंने यहाँ पर बैठकर भी पिक्चर क्लिक कराई थी। और एसी भी होती है भैया, गर्मी तो दिल्ली में इतनी पड़ चुकी है, एसी की बिल्कुल 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 ज़रूरत है हमें। सुबह के आगे हम चलते हुए देखते हैं क्या करते हैं। सो वी हैव रीच्ड जयपुर रेलवे स्टेशन एंड अगर आप ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं तो एग्जिट करने के लिए यू नीड नॉट टू गो एट प्लेटफॉर्म 1। आप उसके आगे जाएंगे तो ये वाला एलिवेटर सीधा बाहर ही निकालता है एंड यहाँ से आपको सिंधी कैंप इन केस जाना है तो आपको उसके लिए ऑटोज, कैब्स और रिक्शाज भी मिल जाएंगे। एंड सीरियसली दिस प्लेस हैज़ माय हार्ट, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये जगह, पता नहीं क्यों इससे मुझे इतना ज़्यादा प्यार है। जैसे ये रेलवे स्टेशन आता ना, मतलब मैं खो जाती हूँ बस, कि बहुत ही पसंद है मुझे, बहुत ही एक अलग अटैचमेंट है। सो फाइनली वी आर इन आर रूम, सो लेट मी गिव यू अ लुक ऑफ आर रूम। तो बहुत 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 मतलब बहुत तो नहीं बट हाँ ठीक है, सुंदर है। तो इट्स अबाउट आर रूम, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। और इधर ऐसे जाके बालकनी है एंड दिस इज़ द वॉशरूम जिसका शीशा बहुत गंदा हुआ है। वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर रूम एंड दिस इज़ द गैलरी ऑफ आर रूम, मुझे बहुत सुंदर लगता है। डबल डेकर में ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल भी थकान नहीं होती। तो रात को ना बहुत ज़्यादा थक गई थी तो खाना वाना खाया थोड़ा बहुत एंड सो गई। उसके बाद सुबह उठे तो मुझे कुछ थोड़ा सा काम है आमेर फोर्ट के पास, तो मैं वहीं जा रही हूँ। एंड आमेर फोर्ट का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा पहाड़ी वाला है, मतलब बहुत अच्छा रास्ता है, पहाड़ी वाला, खुला सा रास्ता। और बीच में ही जल महल भी पड़ता है, अगर आपको आमेर फोर्ट जाना है तो सेम रास्ता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर कुछ भी मान लो, वैसे तो गुड आफ्टरनून हो चुका है बट ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैंने अब करना शुरू किया आफ्टरनून में, सो इसलिए गुड मॉर्निंग कह दिया। एंड मेरे को सुबह कुछ काम था और तो मैं फटाफट सुबह उठ के मैं वो काम करने निकल गई थी एंड उसके बाद वी हैड टू चेंज आर होटल, तो चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए इट्स आफ्टरनून। एंड सीरियसली ये वाला होटल हमने मतलब फर्स्ट टाइम कोई और होटल चूज़ किया, वरना जब भी हम जयपुर आते हैं हम एक ही होटल में रुकते हैं हमेशा से। तो लेट मी गिव यू अ लुक ऑफ दिस होटल, ये बहुत सुंदर है, मतलब इसके रूम्स ही बहुत सुंदर है। सो यहाँ से ऐसे स्टेयर्स आ रही हैं, स्टेयर्स आने के बाद जो हमारा रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है। ये पूरा उधर ऐसे होटल ही है, ये बीच में इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। एंड ये इधर का साइड है, इधर का साइड ये पूरा ऐसे खाली पड़ा हुआ है, उधर एक रूम है, इधर एक रूम है एंड दिस इज़ आर रूम। सो लेट्स गेट इन।
आर रेडी, हम थोड़ा खाने पीने के लिए जा रहे हैं और इस होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट है जिनका खाना भी बहुत अच्छा है और आपको स्वीट्स वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। सो यू कैन चेक, होटल का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, संदे के आपके पास है। लेट्स गो। तो इनका ग्राउंड फ्लोर का सेटअप कुछ इस तरह से है एंड वी हैव ऑर्डर्ड चीज़ बर्गर जो कि बहुत टेस्टी है, चाय भी अच्छी थी, ब्रेड बटर मुझे पसंद नहीं आए एंड चाउमीन बहुत मोटे मोटे वाले नूडल्स हैं दैट आई डोंट लाइक। यहाँ का सबसे मुझे बेस्ट लगा इडली सांभर मस्ट ट्राई। तो खाना वाना खा लिया है एंड माई जयपुर ट्रिप विदाउट शॉपिंग इज़ टोटली इनकम्प्लीट, सो दैट्स वाई गोइंग टू जौहरी बाजार। एंड ये वाला जो एरिया है ये चांदपोल है, तो चांदपोल मार्केट इस गेट से निकलते ही आता है एंड आगे जाके जौहरी बाजार और बापू बाजार वगैरह हैं। एंड येस, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो चांदपोल का स्टेशन है मेट्रो, वहाँ पर उतर कर आ सकते हो, बट येस रिक्शा से आ जाओ यार, 10-20 रुपये लगते हैं और टेंशन फ्री रहते हो। तो लेट्स गो जौहरी बाजार। सो वी हैव रीच टू जौहरी बाजार और इसके जो अगर आपको मेट्रो से आना है तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है तो यहाँ से आप आ सकते हो। लेट मी शो यू, ये जो है सामने दिख रहा है ये चौक है, यहीं पर मेट्रो स्टेशन है बड़ी चौपड़ का और ये पूरा यहाँ पे ये मार्केट है दोनों साइड। तो जौहरी बाजार एक्सप्लोर करने की शुरुआत हुई कुछ इस तरह के प्रिंटेड जयपुरी राजस्थानी लहंगों से और स्कर्ट से। गाइस जौहरी बाजार में ये ओम गणेश न्यू सिल्क स्टोर है, 148 शॉप नंबर है इसका और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। यहाँ से हमने 2-3 चीज़ें ली हैं, मतलब इनकी साड़ियाँ बहुत और सूट भी हैं आपके वो मिल जाएंगे नायरा कट वगैरह वाले और इनकी मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है और बार्गेनिंग भी कर सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग होती है तो मस्ट विजिट दिस शॉप ऑल्सो। दिस कुर्ती इज लुकिंग सो मच प्रिटी एंड आगे चलते हैं। यहाँ पर इस तरह की चप्पलें भी हैं जो कि आजकल सरोजनी नगर और लाजपत नगर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लेट मी आस्क द प्राइसेस है इन वाली, भैया इन वाली चप्पलों का क्या प्राइस है, इन वाली चप्पलों का क्या प्राइस है? 300। ये अर्जुन टेक्सटाइल शॉप है, शॉप नंबर 159। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कूल, यहाँ पर आपको जूतीज चप्पल और बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगी तो मस्ट विजिट दिस शॉप। रोहित जी का कटला है, इसके अंदर एक यहाँ पे मार्केट लगती है, दिस इज वेरी फेमस, दिस मार्केट इज फेमस फॉर व्हाट? सूट साड़ी। ओके ओके लेट्स गो नाउ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। देखने में तो कच्चड़ सी हो रही है पर वैसे अंदर से ऐसी लग रही है दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट जैसी, नहीं हाँ चांदनी चौक भी कह सकते हैं, छोटा बाजार वाला भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, छोटे बाजार जैसी भी लग रही है, छोटे बाजार की गलियां भी हैं ऐसे। लहंगे देखो कितने सुंदर सुंदर हैं पर हमें तो कुछ लेना ही नहीं, चलो आगे। ये देखो सुंदर सुंदर लहंगे, पर यहाँ पे मतलब यही सब है ज़्यादा, साड़ी लहंगे और दुपट्टे हो गए जयपुरी। बट यस इट्स माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम शूटिंग दिस जौहरी बाजार और काफ़ी अच्छा है, प्राइसेस भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा है, सो इट्स ऑल्सो गुड। बापू बाज़ार चांदपोल मैंने दिखाया हुआ है एंड दिस इज जौहरी बाज़ार, सेम से ही दिखते हैं सारे। और ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के आपको बहुत सारे ऐसे बैठे हुए मिलेंगे भैया भैया जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी बेच रहे होते हैं। ये हम आ चुके हैं बापू बाज़ार जो कि वहाँ से शुरू है, वहाँ से एंड ये बढ़ती जा रही है शॉप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो लेट्स गो चलो। पहले वाली वीडियो में भी बताया था ये राजेश बैग कंपनी, ये बहुत अच्छी बैग की शॉप है, इनके पास बहुत प्यारे प्यारे जयपुरी बैग्स और भी काइंड ऑफ बैग्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो ये बापू बाज़ार में शॉप नंबर 19 है और इनके पास बहुत सारी जूतीज एंड ऑल हैं और इन्होंने मुझे ये वाला दिखाया एंड इसका मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा, दिस इज़ ऑफ 300 रुपीज़। और एक इन्होंने ये वाला पीस दिखाया है, ये थोड़ा अलग उसमें, दिस इज़ ऑफ 350। ये वाले कितने के भैया?
अच्छा 550 बताया था, ये प्लेट वाला 350, ये ऐसी वाली 550, इसमें थोड़ा सा हील है, मुझे अभी सबसे अच्छी ये वाली लगी क्योंकि दिस इज गिविंग अ प्रॉपर जयपुरी लुक। इसमें पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना येलो से। और कौन से डिज़ाइन है इसमें भैया? अच्छा कौन सा? अच्छा नहीं ये नहीं इतना अच्छा लग रहा, नहीं थोड़ा हिल में नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बापू बाज़ार में, और मेनली जो अगर आप बाहर से जा रहे हो, मतलब किसी और स्टेट से जा रहे हो ना, तो मेनली वो चीज़ लेने पे ज़्यादा फोकस करो जो कि दिल्ली में नहीं मिलती। जैसे व्हाट आई यूज़ टू बाय, जयपुरी कुर्तीज़ होती है, शॉर्ट कुर्तीज़ मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, इस बार भी मैंने लिए, तो ऐसी चीज़ें ट्राई करो। ज़्यादा थक गए थे तो एक B&B रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से हमने ये पापड़ी चाट ऑर्डर किया एंड सीरियसली इट्स वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी है, सो मस्ट ट्राई दिस पापड़ी चाट। तो होटल वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड वी ट्राइड दिस स्पेशल थाली जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड इट कॉस्ट 299। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड विल मीट यू गाइज इन डे 2 ऑफ जयपुर सीरीज।